Welcome to Ease Coronaphobia. Treat the statistics the right way. Say के physically इतना बुरा नहीं लगता है जितना mentally खराब लगता है. June 11th, updated at 1:30. Source: covid19india.org. 50,61,332 tests करने पर 2,87,155 केसेस पॉजिटिव मिले हैं. मतलब रेट ऑफ इंसिडेंस हुआ 5.6%. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 50,60,000 टेस्ट करने पर 2,80,000 केसेस पॉजिटिव मिलते हैं, तो यदि 100 व्यक्तियों पर टेस्ट किया जाएगा तो कितना पॉजिटिव मिलेगा? लगभग 6 लोग. 100 व्यक्तियों के टेस्ट करने पे 6 आदमी कोविड पॉजिटिव मिलेगा. ये हुआ रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ कन्फर्म टेस्ट. और यदि 10,000 जनता का टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो मात्र 567 पॉजिटिव केस मिलेंगे. 10,000 पीपल पे टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो 567 केसेस पॉजिटिव मिलेंगे. टोटल 2,87,155 केसेस में से 1,49,086 केसेस का आउटकम आ चुका है, जिसमें से 1,40,979 रिकवर हो चुके हैं और डेथ्स हुई हैं 8,107. मतलब रिकवरी रेट है 95%. तो यहाँ जो इसका मतलब हुआ कि अगर 100 केसेस का आउटकम आता है तो उस आउटकम में से 95 ठीक होंगे और सिर्फ 5 की ही मृत्यु होगी. तो यहाँ जो हमने देखा कि 10,000 लोगों का टेस्ट करने पे 567 पॉजिटिव आते हैं, तो यानी कि 10,000 लोगों का टेस्ट करने पे 567 पॉजिटिव आएगा, तो 95% के हिसाब से 567 में से कितना ठीक होगा ये देख लेते हैं. मतलब 10,000 लोगों का टेस्ट करने पे 567 पॉजिटिव आएंगे और उन 567 का जो आउटकम आएगा उसमें से 538 रिकवर हो जाएंगे और डेथ होगी सिर्फ 29 की. यहाँ एक बात ध्यान देनी और ज़रूरी है कि ये जो 29 लोगों की मृत्यु हो रही है ये उन 10,000 पॉपुलेशन में से है जो कि जिसका कि टेस्ट किया जा चुका है. तो 10,000 लोगों में से 29 लोग की ही डेथ होगी. मतलब 10,000 टेस्ट परफॉर्म करने पे 10,000 पॉपुलेशन में से 9,433 नेगेटिव आएगी और रिकवर्ड होंगे 538 और डेथ होगी मात्र 29 लोगों की. मतलब आउट ऑफ 10,000 पीपल 29 विल बी डेड. सो विल यू कॉल इट अ डेडली डिजीज? और वो 29 डेथ्स में से भी को मॉर्बिडिटीज़ ही हैं. मतलब उन 29 डेथ्स में से भी जो 95% डेथ्स हैं वो अन्य बीमारियों से हुई हैं. मतलब द डिजीज इज नॉट एज डेडली एज इज प्रोजेक्टेड थ्रू मीडिया. अब सुनते हैं एक्ट्रेस मोइना कुमारी के थ्रू उनकी आप बीती. हम हॉस्पिटल में हैं एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनका पॉजिटिव से नेगेटिव हो ही नहीं रहा है. वैसे फिलहाल हमारा भी 6th डे हो गया है, हमारा भी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू यू नो बिकम नेगेटिव. एक्ट्रेस मोइना कुमारी की ये बात ध्यान से सुनिए. शी इज़ हैविंग माइल्ड सिम्टम्स, लेकिन और उसके अलावा और भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है. इसलिए एक्टिव केसेस के नंबर देख के मत घबराइए, ये लोग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता डिस्चार्ज नहीं होते, इसलिए नंबर आपको ट्रांजिट फेज में बढ़ता हुआ दिखता है. इसलिए बढ़ते हुए नंबर से मत घबराइए. यू मस्ट अंडरस्टैंड. अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपको कोविड हो जाता है तो
ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट लीथल, क्योंकि डेफिनेटली आई हैड सिम्टम्स, माई मदर इन लॉ हैड सिम्टम्स, बट यू नो इट डजेंट मीन के इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ. प्लीज डोंट बी स्केर्ड, इट्स मोर देन एनीथिंग, इट्स मेंटली वेरी वेरी स्केरी. आई थिंक यू नो टू नो दैट यू हैव द वायरस इनसाइड यू इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग, स्पेशली बिकॉज हमने इतना सुन लिया है इसके बारे में, इतना सोच लिया है इसके बारे में, इतने भयभीत हो गए हम इस चीज के बारे में, दैट दैट यू नो मेंटली इट गेट्स टू यू. पीपल गेट रिकवर्ड विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के लोग ठीक हो जा रहे हैं, तब भी क्या आप इसको डेडली कहेंगे और बढ़ते नंबर को देख के डरेंगे? जी बट या अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज एज सच कोई ट्रीटमेंट आई वुड से नहीं हो रहा है, बट यस यू हैव टू, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर इट, बट यस ऑल यू कैन डू इज यू कैन मेक योर बॉडीज very 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 strong. Anyways I feel ke Indians you know वैसे भी हमारी diet बहुत अच्छी है, एक vegetarian diet है, एक diet Indians की है जिसमें बहुत सारे spices होते हैं, तो body में there's गर्मी, so plus we are having a lot of, जब से लोगों ने सुना है इसके बारे में सब लोग बहुत सारा काढ़ा पी रहे हैं. And you know, so these things like giloy, haldi and all these things, they really really work to make your body stronger to fight against all these viruses and bacteria and all of that. So I genuinely feel Indians were pretty anyways ready to fight viruses, and I'm very proud of हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी, लाइक एंड द काइंड ऑफ फूड वी ईट एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग आई'ड लाइक टू से के प्लीज़ नेगेटिव न्यूज़ से मत डरिए,